फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बनारसी कपन ममता एंड शिशिर। सो फ्रेंड्स, आज का मैं जो ब्लॉग शूट कर रही थी वो बेसिकली मैं बनारस से पुणे जा रही थी, तो मैं उन लोगों के लिए ये ब्लॉग बना रही हूँ जो लोग फ्लाइट से फर्स्ट टाइम जर्नी करते हैं, तो उनके लिए बना रही थी कि उनको चीज़ें क्लियर हो जाएँ कि कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ और एक एक दो चीज़ें मैं बता देती हूँ। सबसे पहले आप अपना टिकट या तो मोबाइल में या तो आप प्रिंट आउट निकलवा लें वो, और अपना आईडी प्रूफ, सबसे पहले वो चेकिंग होगा, फिर आप अंदर एंट्री करोगे। और वेब चेकिंग आपको आपके डिपार्चर टाइम से पहले ही वेबसाइट पे आपको भेज दिया जाता है मैसेज करके, उससे आप वेब चेकिंग पहले ही घर से करके आए और फिर आप एंट्री करो। और एंट्री करने के बाद जब आप फिर लगेज चेकिंग कराने के बाद फिर आपको आपका बोर्डिंग पास मिलेगा और फिर वहाँ से आप एंटर करोगे। सो फ्रेंड, सबसे पहले आप लगेज को जब एंटर करेंगे तो आप अपना टिकट और अपना आईडी कार्ड एंटर करा के, ये आप देख सकते हैं, अंदर आ जाएंगे। मैं अंदर आ गई थी क्योंकि मैं काफ़ी थोड़ा सा लेट हो गई थी। और अंदर आने के बाद आपकी जिस कंपनी की भी टिकट है उस कंपनी की टिकट को आप उस जाएंगे। अब वेब चेकिंग है, अब वेब चेकिंग से आप अपना पूरा सीट वीट सारी चीज़ें देख सकते हैं और फिर आप इस तरीके से देख सकते हैं अंदर आके आपको सारी अंदर। ये आप देख सकते हैं जेंट्स की अलग और लेडीज़ की अलग चेकिंग होती है, और आपका जो कैबिन का बैग होगा वो चेक करके फिर आपको अंदर आप एंटर करोगे। आप देख सकते हैं जब बहुत ज़्यादा टाइम होता है तो आप इस तरीके से बार और लॉन्ज भी बने हुए हैं। अब मेरा बोर्डिंग टाइम गेट नंबर 2 से है, तो मैं यहाँ पे वेटिंग के लिए बैठ चुके हैं। जब अनाउंस होगा तब हम अंदर चलेंगे, फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगी। और आप देख सकते हैं लोग प्रॉपर वेट कर रहे हैं। सो आप फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अब बोर्डिंग टाइम अनाउंस कर दिया गया है और लोग अब चेकिंग के लिए से अब यहाँ से चेक करके फ़्लाइट में एंटर करेंगे हम। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चेकिंग हो रही है और फिर हम एंटर करेंगे फ्लाइट में। और अब हम ये चेकिंग करा के फ़्लाइट में बैठने के लिए निकल रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग फ़्लाइट्स लगी रहती है, तो जो हमारी फ़्लाइट्स होती है हमारे हम उस फ्लाइट में अंदर जाकर बैठेंगे। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैं ये दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंच चुकी हूँ, और दिल्ली एयरपोर्ट पे मेरा 4 घंटे का हॉल्ट था। हॉल्ट और कनेक्टिंग फ्लाइट के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। सो फ्रेंड्स मैं बताती हूँ जो डायरेक्ट फ्लाइट होती है वो, और जिसमें अगर हॉल्ट होता है उनमें क्या डिफरेंस होता है। डायरेक्ट फ्लाइट जहाँ से आपको जर्नी स्टार्ट होती है वहीं, और जहाँ पे आपकी एंड होती है वो डायरेक्ट फ्लाइट होती है। उसमें बीच में कहीं पे आप नहीं रुकेंगे, जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहीं, और फिर लास्ट में जहाँ आपको जाना है वहीं पर एंड कर देंगे। लेकिन कई फ्लाइट्स आपने देखी होंगी कनेक्टिंग होती है या फिर बीच में हॉल्ट होता है। जैसे कि मेरी आज की जो फ्लाइट है वहाँ दिल्ली में 4 घंटे का हॉल्ट है, तो मैंने जहाँ बनारस से जर्नी स्टार्ट करी थी, हमें बोर्डिंग पास हमेशा जहाँ से जर्नी स्टार्ट करते हैं वहीं पे हमें बोर्डिंग पास सारे मिल जाते हैं, सारे इन द सेंस जितना यहाँ पे, जैसे मुझे दिल्ली का, पुणे का, दोनों जगह का बोर्डिंग पास मुझे मिल गया था बनारस एयरपोर्ट पे ही। और आपका लगेज जहाँ से आप जर्नी स्टार्ट करते हो वहीं
से चेकिंग कराने के बाद जहाँ पे आपको जाना है, मतलब आपका लास्ट जर्नी जो होता है, मतलब डेस्टिनेशन पॉइंट होता है, वहाँ पर ही वो आपको मिल जाएगा। बीच में जो आपका हॉल्ट होता है वहाँ पे आपको अपने लगेज के लिए कोई भी, जो आपका कैबिन लगेज की बात मैं नहीं कर रही हूँ, जो आपका फ्लाइट में लगेज होता है वो आपका लास्ट जर्नी पर आपको मिलेगा। कैबिन वाला आपको कैरी करना पड़ेगा बीच में जहाँ आपका हॉल्ट होगा। जैसे कि अभी आप मेरा देख सकते हो, ये मुझे कैबिन में कैबिन वाला बैग कैरी कर रही हूँ और मेरा 4 घंटे का हॉल्ट है दिल्ली एयरपोर्ट पे। और फिर यहाँ पे और हॉल्ट में आपको हमेशा हॉल्ट का मीन्स होता है आपको दिल्ली एयरपोर्ट पे, जब आप बनारस से मैं चली और दिल्ली जब मैं पहुँची तो बीच में आपको दिल्ली एयरपोर्ट में आप एग्जिट नहीं करोगे, अंदर ही आपको डोमेस्टिक इंटरफेस इंटरचेंज होता है, वहीं से आप, आपके पास बिकॉज बोर्डिंग पास ऑलरेडी पहले से रहता है तो बस आपको डोमेस्टिक इंटरचेंज करना रहता है और वहां से जहां आपका गेट नंबर होगा उस गेट नंबर पे आप अपने बोर्डिंग टाइम पे पहुंच जाए। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया और अब आगे आप ये देखिए, ये जैसे लिखा हुआ इसमें लिखे होते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखा रहता है, सिंबल्स बने रहते हैं, जैसे मेरा डोमेस्टिक इंटरचेंज एग्जिट अगर आपको करनी है और कहाँ से क्या करना है, सारे एरोज बने होते हैं, सारे सिंबल्स लिखे होते हैं। और बीच बीच जगहों पर आपको हेल्प डेस्क भी मिलेगी जहाँ पर आप जाकर पूछ सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं, इसलिए परेशान होने की जगह पर आप जाकर क्वेरी कर लेंगे तो ज़्यादा आसान। सो आप ये, मैं आपको टर्मिनल 2 दिल्ली एयरपोर्ट का दिखा रही थी, यहाँ पे ये जो शॉप वगैरह है और चीज़ें आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ये आपकी बेल्ट थी जहाँ पे आपका लगेज आता है जिनको एग्ज़िट करना होता है उनका। और ये अब मैं इंटरचेंज कर रही थी टर्मिनल 2 से, और अब मैं ये टर्मिनल 2 दिल्ली एयरपोर्ट का ये फूड कोर्ट है जो आपको मैं ये दिखा रही हूँ पिक्चर में, और ये अंदर की लॉबी है पूरा वेटिंग लॉबी जहाँ से लोग इंटरचेंज करते हैं कनेक्टेड। आप देख सकते हैं कितना बड़ा हॉल है, कितना स्पेसियस है। और एक ये प्लाज़ा प्रीमियम होता है, इसके बारे में बताऊंगी, जिनके पास क्रेडिट कार्ड होता है ICICI और SBI का वो इन्हें यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं अब मैं ये दिल्ली में फ़्लाइट में बैठ गई हूँ और अब ये मेरी फ़्लाइट दिल्ली से पुणे जाएगी। और फिर चलिए अब मैं दिखाती हूँ बाकी आपको देख। और अब मैं ये आपको दिखा रही हूँ, मेरी ये दिल्ली एयरपोर्ट से ये फ़्लाइट टेक ऑफ कर रही है, तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा दिखाती हूँ किस तरीके से फ़्लाइट टेक ऑफ करती है। देखिए कितनी स्पीड में ये चल रही है और एक पॉइंट पे के बाद ये टेक ऑफ कर जाएगी ऊपर। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप ये देख रहे हैं ये फ़्लाइट लैंड कर चुकी है पुणे एयरपोर्ट पे, और ये अब मैं आपको आगे दिखाती हूँ पूरा। सो फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं ये आपको जो वीडियो में दिखा रही हूँ इसे बेल्ट बोलते हैं, जिससे हमारा जो लगेज होता है जो फ़्लाइट में होता है वो इसी बेल्ट पर आता है, जो हमारी फ़्लाइट में अंदर अनाउंस कर दिया जाता है कि किस बेल्ट पे हमारा लगेज आ रहा है।